नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों पर हो रहे जुल्म जग जाहिर है, इससे हिंदू परिवार वहां रहना नहीं चाहते हैं। बीच बीच में पाकिस्तान की हरकतें सबके सामने आती रहती हैं। वहीं 27 सितंबर 2013 को पाकिस्तान से भारत आई सिमरन और उसकी चाची बरजी बाई ने अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से मिलकर अपनी पीड़ा बताई है। उनका कहना है कि पाक में हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। इन घटनाओं से परेशान होकर वह पाकिस्तान से अलीगढ़ चली आई। यहां वह अपने परिजनों के साथ रह रही है। वहीं दोनों ने अब प्रशासन से बड़ी मांग कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बता दें कि 27 सितंबर 2013 को पाकिस्तान में रहने वाली सिमरन अपनी चाची बरजी बाई के साथ पाकिस्तान से भारत यानी कि यूपी के अलीगढ़ आ गई थी। तब से वह अपने दादा दादी के घर पर लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही है। उन्होंने भारत की नागरिकता पाने के लिए अलीगढ़ डीएम को आवेदन दिया है। साल 2013 से दोनों यहाँ पर बिना भारतीय नागरिकता के रह रही है। वहीं अब नागरिकता के लिए आवेदन करने पहुंची सिमरन ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को बताया कि पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार और अराजकता हो रही है। इन घटनाओं में इतना भयभीत कर दिया है कि वह पाकिस्तान से सीधे अलीगढ़ में अपने बाबा दादी के पास आ गई है। भारत और पाकिस्तान के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। सिमरन ने बताया कि वह इस समय एएमयू से बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही है। भारतीय नागरिकता के लिए वर्ष 2019 में आवेदन दिया था। अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जाफराबाद में माता पिता दो भाई एवं बुआ रह रही हैं। वह भी भारत आना चाहते हैं। वहीं अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सिमरन की सारी बात सुनी। उन्होंने सिमरन से कागज पर उर्दू में नाम भी लिखवाया। इस मामले पर डीएम का कहना है कि शहर में निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों ने नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है। इस संबंध में प्रदेश एवं केंद्रीय स्तर से निर्णय होना है। शासन के निर्देश के आधार पर जांच एवं आपत्तियों का निस्तारण कराकर संशोधित जानकारी एवं भारतीय नागरिकता देने की संस्तुति के साथ विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द सिमरन और उसकी चाची बरजी बाई की भारतीय नागरिकता पर फैसला ले लिया जाएगा। तो बता दें कि पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के लिए पाक से भारत आई, तो वहीं यूपी के जालौन से संबंध रखने वाली अंजू अपने बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान चली गई। ये दोनों मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए। इसी बीच पाकिस्तान से यूपी के अलीगढ़ आई सिमरन ने भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है। साथ ही पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार की कहानी भी बताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।